हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे और फिलहाल अभी के लिए तो मेरा एक ट्यूशन में इम्पोर्टेंट वीकली टेस्ट है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना है। नो नो नो, और आज बिल्कुल धूप नहीं कर रही है, मैं खुशी से कहना चाहूँगी, क्योंकि आज है शिव जी की शादी, मतलब क्या बोलते हैं उसको ओडिया में, मुझे याद नहीं है। मम्मी, शिव जी के शादी को ओडिया में क्या बोलते हैं आप बोली? शिव विवाह। शिव विवाह कल है, शीतला षष्ठी। जो लोग भी ओडिया हैं वो लोग जान चुके होंगे। और मतलब इस दिन में ना बारिश जैसे भी वो होता है, धूप नहीं होता है आज, है ना? तो आई एम बारिश होने से शुभ माना जाता है, तो फिर हमेशा बारिश होनी चाहिए। नहीं, शीतल षष्ठी के दिन बारिश होने से मतलब अच्छा फसल होता है उसका। तो आई थिंक इस साल बारिश होने वाली है। हाँ। लेकिन आज सुबह सुबह तो बहुत धूप कर रहा था, मतलब कभी तो कभी हो गई, बलांगीर में ऑलरेडी हो चुकी। ओ, मेरे होम टाउन में हो चुका है तो यहाँ भी हो जाना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा और बारिश का अनोखा रिश्ता। मुझे पहले बचपन में बारिश बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा ना हमेशा वेडनेसडे को ही रेनी सीजन में बारिश होता था, और वेडनेसडे को हमारा रिसेस के बाद ही होता था, और रिसेस के बाद हमारा गेम्स पीरियड होता था, इसीलिए मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं होता था पहले। लेकिन अभी तो 7th क्लास में तो टाइम टेबल चेंज हो गया है ना। तो चलो मैं मेरा मैथ का होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें एक एक्सरसाइज पूरा करना है, मतलब उसके 5 नंबर का, उसके 6 नंबर है और हमें 5 नंबर तक करना है। पता नहीं 6 नंबर हमसे नहीं होगा, सर ने बोला, इसीलिए जितना हो सके उतना करने के लिए बोला है सर ने, 1 to 5 तक करने के लिए। तो अभी मैं 2nd नंबर में हूँ और अब -16 -3 इज इक्वल्स टू, अरे मेरा पेन कहाँ गया, 13 -, हो जाएगा कैंसिल। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ये मुझे अच्छा लास्ट नंबर है मेरा 2 नंबर का, ज़्यादा हमारे पास 3, 4 and 5 तीनों ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 4 and 5 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3 ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। तो चलो मैं करती हूँ एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। जब बारिश होगी ज़रूर दिखाऊंगी मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे बारिश कितना पसंद है। सो यहाँ है हमारी परी मैडम, ये देखिए परी मैडम, और मैं यहाँ पढ़ाई भी कर रही हूँ और परी से बातें भी कर रही हूँ, मतलब अभी के लिए तो बातें कर रही हूँ, और मैं परी को बहुत मिस कर रही हूँ, काश तुम यहाँ होती। लेकिन जब मैं आप क्या चाहते हो, मैं वहाँ आऊँ या यहाँ रहूँ? तुम यहाँ आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। हम लोग समर में जाएंगे। अच्छा, मैं फोन किया तो खुश जाती हूँ। आ जाओ 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 आ जाओ। बड़ी, सो आई एम बैक फ्रॉम ट्यूशन। आज हम लोगों ने डिनर भी कर लिया। एक्चुअली मैं आज मेरा एक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं डिनर दिखा नहीं पाया आप लोगों को, बट ट्रस्ट मी, आज डिनर के लिए हमारे पास था डोसा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं मेरा भी वीडियो शूट कर रही थी इसीलिए। एंड सी की मेरा होमवर्क, मेरा साइंस का भी होमवर्क नहीं है, मेरा SST का भी होमवर्क नहीं है कि ये नहीं, मुझे साइंस का एक्चुअली देखना पड़ेगा होमवर्क है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कल हम लोग क्या शूटिंग करेंगे। आई डोंट थिंक कुछ होमवर्क नहीं, मैम ने पढ़ के आने के लिए बोला था, SST मैम ने आधा पढ़ाया था, तो नो आई डोंट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो। एंड सो हैप्पी। तो इसलिए, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ,
इसलिए मैं अभी बोर हो रही हूँ, इसलिए मैं अभी डूडलिंग करने वाली हूँ। राम यहाँ कॉर्नर में एक दांत था, एक्चुअली वो दांत ना हिल रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। उसका आधा टूटा है और उसके ऊपर जो है ना मेरा गम्स में एक दांत निकला है। वो लकी टीथ होता है लेकिन मेरी मम्मी के लिए मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही हूँ जब मैं स्माइल कर रही हूँ। अजीब दिख रहा है क्या फ्रेंड्स? यहाँ ये दांत टूट गया है और उसका फ्रंट पार्ट टूटा है, मोलर है ना वो टीथ, उसका फ्रंट पार्ट टूटा है, बैक पार्ट अभी भी है। और मोस्ट अमेजिंग थिंग वो बैक पार्ट हिल भी नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अगर आप में से किसी को पता है क्या करना होता है तो प्लीज़ डू कमेंट। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी ऑन फाइंडिंग व्हाट आई शुड डू। तो पहले तो हमें चाहिए पेंसिल, हमें चाहिए ये इरेजर, ये सॉरी खुलता है इसको, ये है इसमें है इरेजर, अगर ज़रूरत होगा तो मैं यूज़ करूँगी वरना अभी के लिए तो इसका शार्पनर वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि इससे फिर गंध नहीं मचती है, इसके अंदर ही जो छिलका होता है पेंसिल का वो रह जाता है। पेंसिल इज शार्प। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ कि मैं इतना अच्छा, मैं बिल्कुल अच्छा ड्रॉ नहीं करती टू बी ऑनेस्ट। तो जिसका जैसा मतलब मुझसे हो पाया मैं वैसा ही करूँगी। एंड या इट्स योर विश, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता तो यू कैन नो प्रॉब्लम कमेंट इट डाउन, आई डोंट केयर काइंड ऑफ। तो हम लोग ड्राइंग करने वाले इस पेज में, जिसकी मैं बोली थी कि मेरा ये जो जर्नल है ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, तो या इस बहाने मेरा जर्नल भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए बहुत दिनों बाद जर्नल कर रही हो? नहीं ड्राइंग कर रहे हैं, थोड़ा डूडलिंग डूडलिंग लेकिन पहले मुझे तो देखना पड़ेगा। चुकी हो आज? मैंने तो नहीं दिया, मतलब दिया ही नहीं, दिया खुला दे दूंगी मैं। तो कुछ 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 तो अभी के लिए मैं मेरा मोबाइल लेकर आती हूँ एंड मेरा डूडलिंग करती हूँ। डूडलिंग जो होगा, हाँ बेडरूम में, तो डूडलिंग जो होगा उसका मैं आपको फाइनल प्रोसेस दिखा दूंगी, मतलब सॉरी फाइनल रिवील करके दिखा दूंगी, बट फॉर द प्रोसेस यू हैव टू जस्ट सी अ टाइम लैप्स। सो लेट्स बिगिन। कलर करके देखूंगी, बैकग्राउंड ऐड करके देखूंगी, अगर मुझे और कुछ ड्रॉ करना होगा तो आई विल ड्रॉ, वरना रहने देंगे वैसे ही, अच्छा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली मेरे पास, मैं मेरा कलर पेंसिल्स ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वी आर गोना मिक्स एवरीथिंग। मतलब मैं यूज करने वाली हूँ मेरा क्या ब्रश पेन, प्लास्टिक क्रेयॉन्स एज वेल, और मेरा पेंसिल कलर कहाँ है आई हैव टू थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, यहीं कहीं ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। आया नहीं, नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है मेरा पेंसिल कलर्स, आई हैव नो आइडिया वेयर माय पेंसिल कलर इज, बट अभी के लिए चलो हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास जो भी है चलो मैं इसको कलर कर लेती हूँ। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जितना भी मैंने नॉर्मल डूडल किया उनमें से ये इतना भी अच्छा नहीं था, जैसा भी बना मैंने शूट कर लिया। सो होपफुली यू गाइस लाइक इट। सो आज के लिए इतना ही जर्नलिंग, एंड मेरा जो ये
क्रेयॉन्स है, इसको आपस उसके डब्बे के अंदर डाल देते हैं, भैया लेट ब्लैब बंद कर देते हैं, एंड समथिंग एल्स, ये सबको भी वापस, ये भी वापस, ये भी, अच्छा सॉरी इसके अंदर जा रहे हैं, ये भी वापस, इसको भी अंदर उठा देती हूँ. Right now I just finished with some late night study, मतलब late night study नहीं, just revision, और actual आज late night study नहीं किया मैंने, अभी 11:02 हो रहा है. Watching this vlog till the end and I hope you are all well and safe at home. Bye guys, I'll see you in the next one. तब तक के लिए take care and bye bye. Toodles.